Hello class, today we will read English. Take out your English textbook, Buzzword, and take out page number 15, A Sunday Picnic. इसमें जो आज हम पढ़ेंगे संडे पिकनिक की एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वार्म अप एक्सरसाइज. लुक एट दीज पिक्चर्स, टेल योर टीचर व्हाट यू लाइक टू डू विद योर फैमिली. जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन पीरियड में हम सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहे. वैसे तो नॉर्मली हम लोग सब संडे को एक साथ में रहते हैं जब हमारी छुट्टी होती थी, बट अभी आपके स्कूल बंद हैं कोरोना वायरस डिजीज़ की वजह से. तो इससे पहले जब संडे को हम इन्जॉय करते थे अपने, जब सारी फैमिली घर में होती थी, तो आप किस तरह से अपनी फैमिली के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या करते हैं जिसे आप बहुत इन्जॉय करते हैं, जिसे आप फैमिली टाइम बोलते हैं. तो देखिए यहाँ पर ये फैमिली एक पिक्चर बना है जिसमें एक फैमिली एक आउटडोर में इंजॉय कर रही है पिकनिक. सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ के अपने घर में टीवी देख रहे हैं. यानी संडे के दिन आप सब एक साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, और अगर बाहर जाने का मूड नहीं हो तो हम एक साथ घर में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ में मूवी देख कर. ये आप देख रहे हैं कि सारी फैमिली कहीं बाहर गई है और वहाँ इंजॉय कर रही हैं. थर्ड पिक्चर में आप सभी बैठ के अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग करना, स्टोरी बुक रीड करना, अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना. थर्ड पिक्चर में हम लोग शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं फैमिली सब साथ में, इससे भी हमारा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है. थर्ड और लास्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि इसमें ये जो फैमिली है वो बाहर एक होटल या किसी रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर या लंच कुछ इन्जॉय कर रही है. तो इस तरह से हम अपने संडे का डे स्पेंड करना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ में एक साथ में. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. क्लास, जब हम पिकनिक जाते हैं तो आप जानते हैं हम अपने साथ में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं. हम वहाँ पे एक साथ में घूमना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, और एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं उस टाइम को. तो चल देखते हैं इस स्टोरी में. एक प्रदीप नाम का बॉय है जो अपनी स्टोरी हमें सुना रहा है, और अपनी फैमिली के साथ वो पिकनिक पर गया है. आई एम अ प्रदीप, PRADEEP, प्रदीप, यानी मैं प्रदीप हूँ. दिस इज़ माई फैमिली, ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है. फैमिली होते हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी मम्मी पापा और बच्चे जब एक साथ होते हैं तो वो फैमिली होती है. वी आर एट द पार्क, और हम लोग एक पार्क में हैं. माई सिस्टर नैना प्लेज क्रिकेट विद माई फादर, जो मेरी सिस्टर हैं यानी जो प्रदीप है वो अपने बारे में बता रहा है कि प्रदीप की सिस्टर नैना क्रिकेट खेलती है अपने पापा के साथ में. आउट सेज नैना, OUT, आउट सेज नैना, यानी कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम, आप जानते हैं कि उसमें हम एक दूसरे को आउट करना होता है, तो नैना कहती है आउट. नॉट आउट सेज फादर, नैना के फादर कहते हैं नॉट आउट, यानी मैं आउट नहीं हुआ हूँ. डोंट शाउट सेज मदर, शाउट होता है बच्चों चिल्लाना, तो नैना की जो प्रदीप की मदर हैं वो कहती हैं कि आप लोग चिल्लाओ मत, शाउट बिल्कुल मत करो. तो हु इज़ नैना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रदीप अपनी स्टोरी बता रहा है, तो प्रदीप जो है, नैना जो है प्रदीप की सिस्टर है. नैना इज प्रदीप्स सिस्टर. व्हाट डज शी प्ले, नैना क्या खेलती है. शी प्लेज क्रिकेट विद हर फादर, जो नैना है वो क्रिकेट खेलती है अपने फादर के साथ, अपने पापा के साथ. माई मदर SPREADS स्प्रेड्स अ क्लॉथ अंडर अ ट्री, स्प्रेड होता है किसी चीज़ को फैलाना या बिछाना, तो मेरी मम्मी एक क्लॉथ यानी कि एक कपड़ा ट्री पर ट्री के नीचे बिछाती हैं. अंडर अ ट्री मीन्स ट्री के नीचे बिछाती हैं. शी सेज, वो कहती हैं प्रदीप प्लीज़ कम एंड हेल्प मी, यानी प्रदीप प्लीज़ मेरे पास आओ और मेरी मदद करो. आई हेल्प माई मदर पुट द फूड ऑन द क्लॉथ, तो जो प्रदीप है वो कह रहा है कि मैं, आई हेल्प माई मदर, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ पुट द फूड ऑन क्लॉथ, यानी जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, उसके ऊपर मैं खाना निकाल के रखता हूँ. मतलब वो लोग अपने घर से फूड अपने साथ में लेकर आए हैं खाना, और वो पार्क में बैठ के खाने वाले हैं. देयर आर सैंडविचेस समोसास एंड अ बिग पिंक केक, तो वो अपने साथ में क्या लाए हैं, वो लेकर आए हैं सैंडविचेस समोसास एंड अ बिग पिंक केक, और एक बिग पिंक कलर का केक लाए हैं. सैंडविच समोसा एंड पिंक केक वो अपने साथ लाए हैं. अ क्रो हॉप्स अप टू द फूड, इट सेज काओ काओ,
तो तभी एक क्रो वहाँ आ गया और वो खाने को देखकर खाने के बिल्कुल खाने के ऊपर कूदना चाहता है या वो शायद खाना लेना चाहता है, तो वो जो क्रो है वो काऊ काऊ करके आवाज़ निकालता है। आप सभी जानते हैं ये क्रो की साउंड होती है काऊ काऊ। माय मदर सेज, मेरी मम्मी कहती हैं शू क्रो शू, यानी हम जब किसी एनिमल किसी बर्ड को हम भगाते हैं तो हम ऐसे ही साउंड निकालते हैं शू शू। इस तरह से कहने से जो बर्ड है वो भाग जाते हैं। आई शाउट शू, यानी प्रदीप जो है वो कहता है कि मैं भी चिल्लाया शू। किसको वो शू साउंड क्यों निकाल रहे हैं? क्रो को भगाने के लिए, उस कौवे को भगाने के लिए। द क्रो शाउट्स, जो क्रो है जो कौवा है वो भी शाउट करता है, चिल्लाता है काओ। अगेन वो काओ काओ चिल्ला रहा है एंड फ्लाइज अवे, और वो डर के उड़ गया। माय मदर कॉल्स अस ऑल टू ईट, हमारी मम्मा ने जब फूड बाहर निकाला क्लॉथ पर रखा और हम सभी को खाने के लिए बुलाया। वी हैव डिलीशियस पिकनिक एट द पार्क, यानी हमें जो है बहुत अच्छी पिकनिक हमने इंजॉय करी। डिलीशियस जो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना था हमने, वो बहुत वेरी टेस्टी फूड को इंजॉय करा। कैन यू होप लाइक अ क्रो, क्या आप क्रो की तरह बोल सकते हैं या क्रो की तरह साउंड निकाल सकते हैं? होप मीन्स टू मूव बाई टेकिंग स्मॉल जम्प्स।